नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सनील सिंहासन, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, तिलक नगर चेंबूर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको डिप्रेशन ये बीमारी पे 2 मिनट में जानकारी देना चाहता हूँ। इंडिया में अभी भी मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता बहुत कम है। किसी को मानसिक बीमारी हो, जैसे कि डिप्रेशन या सिज़ोफ्रेनिया, तो उसे घर वाले बोलते हैं कुछ टीवी देख लो, गाने सुन लो, कॉमेडी देख लो, उससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। देखो, मानसिक बीमारी एक गंभीर बीमारी है जिसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे लिवर किडनी के बीमारियां रहते हैं, वैसे ही ब्रेन की बीमारी होना आम जनता को बहुत मुश्किल होता है समझना कि इसमें भी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है ब्रेन में, क्योंकि अपना मन तो ब्रेन में स्थापित होता है, राइट। तो डिप्रेशन में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? पहले तो बहुत ही उदास लगना, पूरा दिन उदास लगना, और ऐसे कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार उदास लगना। निराशक्ता, यानी पहले जो चीज़ अच्छी लगती थी करने को, अभी बिल्कुल वो अच्छी नहीं लगती। मर जाने के विचार आना, खुद की जान लेने के विचार आना, ठीक है। बहुत तेज अफसोस के विचार आना, ठीक है, गिल्ट फीलिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। भूख एकदम कम होना या बढ़ जाना, नींद एकदम कम होना या बढ़ जाना, ठीक है। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन होना, फिर अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाना, ये सब चीज़ें आपको स्ट्रेस आते हैं लाइफ में, तो मूड ऊपर नीचे हो सकता है। पर ये चीज़ें की तीव्रता और लगातार कितने दिन रहता है, कम से कम 2 हफ्ते रहना चाहिए, तो फिर इसे डिप्रेशन करार दिया जाएगा। अगर आपके फैमिली में या आपको ऐसे कोई लक्षण है, तो आप प्लीज़ आपके नज़दीक के साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि इसका उपचार है, इसका इलाज किया जा सकता है, और किसी मासूम की जान बच सकती है इससे। तो इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।